आज आपके लेकर आए हैं पार्क फेसिंग ईस्ट फेसिंग 300 गज का ये इंडिपेंडेंट ड्यूप्लेक्स वाला जो कि बहुत ही खूबसूरत है एंड प्राइम लोकेशन पे है। सो आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 79 मोहाली के अंदर। मैं देती हूँ जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन एंड फिर करते हैं इस घर की बातें। सो मेरा नाम मनीषा और आप सभी का स्वागत है हर बार की तरह आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली हमारी जितनी वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। So, दोस्तों आज जैसा कि बोल ही चुकी हूँ सेक्टर 79 मोहाली के अंदर लेकर आए हैं आपको ये घर दिखाने के लिए। सो इस घर के बिल्कुल सामने जस्ट सामने ही पार्क आ जाता है। ये देखिए घर के बिल्कुल सामने आपका बहुत ही अच्छा सा पार्क जहाँ पे आप सुबह शाम वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जाके बैठ भी सकते हैं एंड आपके बच्चे आराम से खेलेंगे। सो आप उनको एक नज़र देख भी सकते हैं अपने घर से बिल्कुल, क्योंकि घर के सामने ही है पार्क तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस लोकेलिटी बहुत अच्छी है, लोकेलिटी जो सेक्टर है सेक्टर 79 है, प्राइम लोकेशन है, सब कुछ नियर बाय आपको मिल जाएगा और पार्क की वजह से पार्किंग की भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कभी आपको लगे कि यार गाड़ी पार्क करने की बड़ी दिक्कत हो रही है वो आप नहीं फेस करोगे क्योंकि आपके घर के सामने पार्क है तो एक एक्स्ट्रा स्पेस भी आपको मिल गया पार्किंग के लिए। बाकी रही बात बर्म एरिया की तो बर्म एरिया में आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी दो बड़ी गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। एलिवेशन की बात करते हैं, चलिए तो एलिवेशन आप देखिए क्या एलिवेशन है, मतलब मेरे को कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आ रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क नज़र आ रहा है देखने को एंड सारा टाइल वर्क है, सारा का सारा टाइल वर्क है, एलिवेशन में टाइल वर्क दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल को प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको पेंट वेंट कराने में कुछ, यू नो देखकर अच्छा लगेगा एलिवेशन। और इसमें 300 गज के घर के अंदर आपको एक सेपरेट आपका ग्रीन एरिया भी दिया जा रहा है जो कि हम घर के अंदर से एक बार जाके जरूर देखेंगे। बात की जाए यहाँ पे हमारे मेन एंट्रेंस गेट की, सो यहाँ पे हमारा मेन एंट्रेंस गेट है जो कि प्रॉपर स्लाइडिंग गेट रहेगा एंड साथ ही में बाहर भी अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की गई है। ग्रीनरी होगी आपके घर में तो उतना ही खूबसूरत आपका घर दिखने में लगता रहेगा। आइए एक बार घर के अंदर की पार्किंग एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक गाड़ी पार्क हो जाएगी आराम से, जैसे दो गाड़ी आपने बाहर लगा ली, तीन गाड़ियाँ आप पार्क के वहाँ पर पार्क कर लीजिए पार्क के पार्किंग में, यहाँ पे आपकी एक गाड़ी आ जाएगी आराम से एंड देन इस तरफ को यहाँ पे है आपका ग्रीन एरिया। तो ये ग्रीन स्पेस आपका यहाँ पे दिया गया है, इतना अच्छा ग्रीन एरिया है, मेंटेन काफ़ी अच्छा किया गया है, आप और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर टेबल लगा के एक दो चेयर आप इस पर लगा लीजिए, बहुत सुंदर लुक आएगा। सुबह की कॉफ़ी एंड सुबह की मॉर्निंग तो आपकी आपके गार्डन से ही होती रहेगी। सो ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मेंटेन यहाँ पर की गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए हम मेन एंट्रेंस की ओर जाएं उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ एक सेपरेट एंट्री। सो जो ये सेपरेट एंट्री है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी लेकर जाएगी एंड साथ ही में टॉप फ्लोर पे भी लेकर जाएगी। टॉप फ्लोर पे आप हाउस हेल्प रूम बना सकते हैं, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे रूम है, चाहे तो आप उसको मल्टीपर्पज़ रूम बनाइए या फिर हाउस हेल्प रूम बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेपरेट एंट्री हो गई तो फर्स्ट फ्लोर को आप रेंट आउट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, आपकी फैमिली छोटी आप नीचे रह लीजिए, बाकी आप फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट भी कर सकते हैं। सो ये तो थी सेपरेट एंट्री, आइए बढ़ते हैं हमारी मेन एंट्री की ओर, हमारी मेन एंट्रेंस डोर की ओर। दो स्टेप्स में ही हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है, ये देखिए। सो ये हमारी मेन एंट्रेंस है, प्रॉपर वुडन की डोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, डिजिटल लॉक यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका कार्ड या फिंगरप्रिंट और पासपोर्ट से ही ओपन होगा। तो आइए घर के अंदर चलते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, एक नज़र मार ही लीजिए, बहुत सुंदर हर एक, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही यहाँ तक का जो लुक है ना, एक ग्रीनरी को मेंटेन करते हुए वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं घर के अंदर, आ जाइए। घर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले देखने को मिल रहा है पाउडर रूम, ये देखिए। तो ये पाउडर रूम आ गया घर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पे। पाउडर रूम तो क्यों बनाया जाता है सबको पता है, अगर कल को गेस्ट आते हैं कुछ आपके पर्सनल बेडरूम के वॉशरूम को ना यूज़ करने के बजाय वो यहाँ का वॉशरूम यूज़ कर सकते। तो ये आपका फॉयरिया आ जाता है, यहाँ पे भी आप कुछ एक टेबल लगा के कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह रख लीजिए, बहुत सुंदर लगेगा।
तो ये तो था आपका फॉयर एरिया। सीजन आपका एक स्लाइडिंग डोर के साथ आपका आता है यहाँ पर सबसे पहले ड्राइंग एरिया। सो ये आपका ड्राइंग एरिया है। यहाँ से आपको एक तो बाहर का डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है, बाहर आपके जो आपका ग्रीन एरिया है उसका डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है। इतना स्पेस आपको आपके ड्राइंग एरिया का मिल जाता है और प्रॉपर ग्लास वर्क है एंड ऊपर आपकी फॉल सीलिंग विद LED लाइट। सो इस तरफ को भी आप देखिए, बिल्कुल ग्लास वर्क दिया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है ड्राइंग एरिया को। आइए बढ़ते हैं फैमिली लाउंज एरिया की तरफ को। और जो नीचे आप सारा का सारा काम देख रहे हैं, ये सारा का सारा इटालियन मार्बल का काम है। फ्लोरिंग सारी की सारी इटालियन मार्बल के साथ की गई है। एंड इस तरफ को आप देखिए, सबसे पहले ये आता है हमारा फैमिली लाउंज एरिया। यहाँ पे आपका टीवी पैनल आ गया, बहुत ही अच्छा डिजाइनर टीवी पैनल है जो कि प्रॉपर वुडन का टीवी पैनल है और स्पेस काफी अच्छा है फैमिली लाउंज एरिया का। ऊपर हमारी डिजाइनर फॉल सीलिंग आ जाती है विद LED लाइट्स एंड प्रोफाइल लाइट्स के साथ। एंड इस तरफ को देखिए, फर्स्ट फ्लोर के पे जाने की जो हमारी एंट्री है वो अंदर से भी है। इधर आप कुछ सिटिंग एरिया बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा क्योंकि स्पेस काफ़ी सारा दिया गया है। स्पेस देखिए काफ़ी सारा छोड़ा हुआ है स्टेयर्स के नीचे, तो यहाँ पे आपका एक काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया बन जाएगा। एंड बढ़ते हैं डाइनिंग की ओर। आइए, इस तरफ को आपका डाइनिंग एरिया आ गया, काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग एरिया मेरे को लग रहा है। यहाँ पे कम से कम 10-12 सीटर इजीली इंस्टॉल हो सकता है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। एंड देन इसी के जस्ट सामने किचन। तो ये है मॉड्यूलर किचन और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस किचन है। मैं एक बात तो बोलूँगी कि 300 गज के साइज में ना यूटिलाइज काफ़ी अच्छे से किया गया है एक साइज को। किचन को भी अच्छा स्पेस, डाइनिंग को भी अच्छा स्पेस, फैमिली ड्राइंग एरिया, हर एक एरिया को अच्छा स्पेस दिया गया है। देखते हैं बाकी बेडरूम्स में कैसा स्पेस है। सो ये है हमारा किचन, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी स्पेशियस है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर 4-5 लोग आराम से खड़े हैं, गप्पे शप्पे हो रही हैं, खाना पक रहा है, आराम से बातें शातें हो रही हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, स्पेस तब भी बहुत सारा होगा हमारे पास। यहाँ पे चिमनी हॉप स्पेस आ गया आपका। सो नीचे आपके कैबिनेट्स आ गए, काफ़ी सारे लोअर कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स आपको काफ़ी सारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये स्पेस आपको दिया गया है आपके अवन माइक्रोवेव का। यहाँ पे ये स्पेस दिया गया है आपके फ्रिज का, सेपरेट स्पेस है फ्रिज का, तो आपको कोई हॉटपॉच वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। इधर आपके काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं अगेन, और काफ़ी अच्छे कैबिनेट्स हैं और स्पेस काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। और जैसा आप घर देख रहे हो वैसा ही आपको एज इट इज मिलेगा। इस तरफ को आपके डबल सिंक आ गए, ड्यूल सिंक आपके इधर दिए गए हैं, और साथ ही में यहाँ पे सर्विंग काउंटर, इधर आपका सर्विंग काउंटर आ गया। एंड देन इसी आप ही के आपके इस किचन से ही आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलती है आपके बैकयार्ड की। तो एक बार किचन से नहीं, वहाँ से जाके देखेंगे हमारे डाइनिंग से। आइए यहाँ से चलते हैं सीधा बैकयार्ड की ओर, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वाटर बॉडी एरिया। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब कहा जाता है कि ये ना, अगर आप अपने घर में ऐसा कुछ वाटर बॉडी वगैरह बनवाते हैं तो कहा जाता है पॉजिटिविटी बहुत लेकर आता है, तो उसी के लिए मेन उसी कारण से ही बनाया गया है इसको। तो इतना स्पेस हमारा आ जाता है बैकयार्ड का। इस तरफ को भी आप देखिए, यहाँ पे एक सिंक दिया गया है। कल को जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं, कुछ रिलेटिव्स वगैरह हैं, पार्टी वगैरह हो रही है, यूटेंसिल्स हमारे बर्तन वगैरह काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो बाहर भी वॉश आप उनको कर सकते हैं इजीली। देखिए अब चलते हैं घर के अंदर एंड अब बारी है हमारी फाइनली बेडरूम्स को देखने की, तो आइए चलिए बेडरूम्स में चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं। सबसे पहले ये वाला बेडरूम चेकआउट करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। नीचे हमारी जो फ्लोरिंग है वो वुडन की फ्लोरिंग की गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वुडन की फ्लोरिंग बहुत सुंदर लगती है घर में, बाई गॉड आप भी अगर करवाएंगे तो वुडन करवाना, बहुत सुंदर लगेगा। ऊपर फॉल सीलिंग आ गई, डिजाइनर फॉल सीलिंग है। बिल्कुल सामने टीवी पैनल आ गया, ये देखिए, तो ये टीवी पैनल है, वुडन का टीवी पैनल आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। एंड देन इस तरफ को अटैच वॉशरूम की ओर जाएं, उससे पहले यहाँ पर आता है आपका ये वार्डरोब एरिया। वार्डरोब एरिया, ड्रेसिंग एरिया आपका इधर आ गया एंड इसके ठीक साथ में ही अटैच्ड वॉशरूम।
तो ये अटैच्ड वॉशरूम में फुल हाइट तक की टाइल्स यहाँ पे दी गई हैं, आपकी वैनिटी एरिया आ गया, इस तरफ के आपके जो भी एक्सेसरीज हैं वो आराम से यहाँ पे आ जाएंगे, एंड जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं ऑफकोर्स सारी की सारी जैक्वायर की फिटिंग्स की गई हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट बेडरूम, आइए बढ़ते हैं सेकेंड बेडरूम की ओर। बट उससे पहले यहाँ पे ये विंडो आ गई आपकी, ग्लास विंडो है आपकी, मैश विंडो है, सो दैट आपको एक बाहर का व्यू भी मिलता रहे एंड साथ ही में वेंटिलेशन एंड डे लाइट आपको आपके रूम के अंदर भी मिलती रहे। तो आइए चलते हैं सेकेंड बेडरूम की ओर। ये है आपका सेकेंड बेडरूम जो कि एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही में है, हमारी मेन एंट्रेंस के साथ में। इसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ गई विद LED लाइट्स, इसके बिल्कुल सामने ही TV पैनल आ गया, ये देखिए वुलन का TV पैनल है, प्रॉपर डिजाइनर TV पैनल है। विंडो आपकी आ गई एंड यहाँ से बाहर का एक्सेस भी है, आप इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्ट बाहर का एक्सेस है। एंड उसके बाद इस तरफ को ये है आपका वार्डरोब एरिया, ये देखिए तो ये आपका वार्डरोब स्पेस आ गया, इधर आपका आ गया ड्रेसिंग एरिया एंड ड्रेसिंग के बिल्कुल साथ में ये क्या हिडन जगह है। सो ये देखिए ये आपका हिडन स्पेस कह लीजिए आपका स्टोरेज के लिए, बेसिकली आपका कितना भी कोई भी एक्स्ट्रा सामान इन लगेज इन ऑल यहाँ पे आराम से आ जाएगा। और उसके बाद इधर आपका आ गया अटैच्ड वॉशरूम, ये देखिए यहाँ पे भी हमें फुल हाइट तक की टाइल्स देखने को मिल रही हैं, टाइल्स भी काफ़ी अच्छे डिसेंट टाइल्स यूज की गई हैं। वैनिटी उधर आ गई हमारी, वैनिटी एरिया एंड जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है सारी की सारी प्रीमियम क्वालिटी जैक्वार की फिटिंग की गई है। तो ये जो घर है आप देख रहे होंगे इसमें ना ज़्यादा काम नहीं है, बट काम ज़्यादा है भी देखने को मिल रहा है, मतलब एक क्वालिटी देखने को मिल रही है कि एक क्वालिटी का काम जो है वो अच्छा किया गया, प्रीमियम काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब उतना ज़्यादा लग्जरी नहीं है बट लग्जरी है। तो देख के पता लग रहा है, जो एक परख होती है ना आँख की वो समझ ही जाएंगे कि किस तरह का ये घर है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर बनाया। सो अब बारी आती है हमारी फर्स्ट फ्लोर पे जाने की, तो फर्स्ट फ्लोर की एंट्री जो है अंदर से ही है, आइए एक बार फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। काफी अच्छा सा वॉलपेपर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वॉल पे कॉम्बिनेशन काफी अच्छा किया है, मतलब बेज एंड उस तरफ को जो ब्राउन कलर में हमें देखने को मिल रहा है वुडन का वर्क, काफी अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन वाइज। एंड ऊपर आगे काफी ज्यादा डिजाइनर शैंडलियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा वर्क हमें वुडन का देखने को मिल रहा है, इधर बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर आते ही सबसे पहले इस तरफ को ये है आपका एक और सिटिंग एरिया, आप बना लीजिए इसको, काफी अच्छा स्पेशियस सा सिटिंग एरिया हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन फॉल सीलिंग का काफी अच्छा काम है एंड यहीं से आपके इसी सिटिंग एरिया से आपको आपके फ्रंट बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। आइए एक बार बालकनी में चलते हैं, देखिए बालकनी काफी ज्यादा स्पेशियस है, काफी ज्यादा स्पेशियस बालकनी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पेस मुझे लग रहा है। सिटिंग एरिया आपका यहाँ पे बन जाएगा, एक दो चेयर्स आप लगा के बहुत सुंदर सा सिटिंग एरिया बना सकते हैं, उस तरफ को भी काफी अच्छा स्पेस है एंड यहाँ से फ्रंट व्यू हमारे पार्क का व्यू, जस्ट आपके बच्चे अगर वहाँ पे भी खेल रहे हैं आप यहाँ से उनको आराम से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इफ दे आर सेफ और नॉट। तो एक प्लस पॉइंट यही है कि पार्क फेसिंग घर है एंड साथ ही में कि ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे घर है। ऊपर आप देखिए अगेन काफी अच्छा वुडन का वर्क देखने को मिल रहा है फॉल सीलिंग में हमको, वापस चलते हैं घर के अंदर एंड काफी कुछ अभी भी हमें देखना है। यहाँ पे ये वाला रूम आ गया, आप इसको एज अ पूजा स्पेस और स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से आप पूजा रूम बना लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद इस तरफ को एक छोटा सा पेंट्री एरिया, किचन कह लीजिए पेंट्री एरिया कह लीजिए, ये देखिए ऊपर आपके फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी किचन आपको प्रोवाइड की जा रही है, सो दैट अगर आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हैं नीचे तक जाने का मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत खाने का सामान ऊपर भी आप रख लीजिए। ये आता है हमारा थर्ड बेडरूम, ये हमारा थर्ड बेडरूम है, अगेन यहाँ पे भी हमें वुडन की फ्लोरिंग देखने को मिल रही है, ऊपर फॉल सीलिंग देखने को मिल रहा है बिल्कुल हमारे इस वॉल के सामने, टीवी पैनल। सो ये हमारा टीवी पैनल आ गया, आपका कोई भी साइज का टीवी आराम से फिट इन हो जाएगा यहाँ पर। एंड हमारे इसी थर्ड बेडरूम से भी अगेन हमें एक्सेस मिलता है फ्रंट बालकनी का, आइए वॉक इन वार्डरोब एरिया देख लेते हैं। सो ये है हमारा वॉक इन क्लोजेट एरिया और यहाँ पर जो ड्रेसिंग के लिए मिरर दिया गया है वो पूरा फुल लेंथ मिरर यहाँ पे दिया गया है हमको, जिसमें आप आराम से ऊपर से लेके नीचे तक देख सकते हैं खुद को तैयार होते हुए मजे से। और उसके बाद साथ ही में आता है अटैच्ड वॉशरूम,
ये है अटैच वॉशरूम, यहाँ पर भी टाइल वो काफ़ी अच्छा है, फुल हाइट पर भी टाइल्स हैं। ये आपका बाथिंग एरिया आ गया, इस तरफ का आपका वैनिटी स्पेस आ गया। और अब बढ़ते हैं फोर्थ बेडरूम की ओर। आमने सामने दो बेडरूम्स आ जाते हैं, पहले ये वाला बेडरूम देख लेते हैं। तो ये फोर्थ बेडरूम है, यहाँ से आपको बैक बालकनी का एक्सेस मिलता है, साथ ही में ऊपर आप फॉल सीलिंग तो देख ही चुके हैं। ये है आपका टीवी पैनल, वुडन का टीवी पैनल आपको दिया जा रहा है। आफ्टर दैट इधर हमारा वॉक इन क्लोजेट एरिया, सबसे पहले देखिए पहले ड्रेसिंग एरिया आ गया, ड्रेसिंग के बाद इधर है हमारे वार्डरोब्स काफ़ी सारे एंड काफ़ी सारी स्टोरेज के साथ, एंड उसके बाद इधर अटैच्ड वॉशरूम। ये अटैच्ड वॉशरूम आ गया, टाइल वर्क अगेन यहाँ पर भी फुल हाइट तक की हैं, टाइल अच्छी चूज की गई है, प्रीमियम क्वालिटी का काम है। और ये हमारा वैनिटी एरिया आ गया, वैनिटी के बाद इस तरफ को बाथिंग एरिया, सो ये है हमारा बाथिंग एरिया। और लास्ट बेडरूम की ओर चलते हैं सीधा, ये है लास्ट बेडरूम हमारा, जो कि है हमारा फिफ्थ बेडरूम। यहाँ से भी आपको बैक बालकनी का एक्सेस मिल रहा है, ऊपर आप फॉल सीलिंग देख ली है विद LED लाइट्स, इधर आपका टीवी पैनल आ गया, देखिए कोई भी साइज का टीवी आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप अपना सिटिंग एरिया कर सकते हैं, बैक बालकनी के इधर पे काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। और यहीं से चलते हैं सीधा अटैच्ड वॉशरूम वॉक इन क्लोजेट की ओर, तो ये हमारा वॉक इन क्लोजेट एरिया आ गया, एंड उसके बाद इधर अटैच्ड वॉशरूम, ये अटैच्ड वॉशरूम आ गया, इस तरफ को बाथिंग एरिया दिया गया है। और अब चलते हैं सीधा छत की और टेरेस की और, बाकी मुझे पता नहीं है वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा हम सभी को, आइए। देखिए ऊपर आते ही सबसे पहले हम देखते हैं जो मैंने आपको नीचे स्टार्टिंग में बताया था, मल्टीपर्पज रूम बना सकते हैं, हाउस हेल्प रूम बना सकते हैं, जैसे भी आपको यूज़ करना है। उधर किचन के लिए प्रोविजनिंग दी गई है, इधर अटैच्ड वॉशरूम दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे आता है सबसे पहले बार एरिया, ये तो मैं लिटरली मेरे जितना है। सो ये बार एरिया आपका यहाँ पर आ गया, और बहुत ही सुंदर मतलब टेरेस पे अपने एक पर्सनल टेरेस पे बार एरिया, एंड साथ ही में गजीबो एरिया आ जाता है, यहाँ पे पार्टी हो सकती है कमाल की आपके अपने खुद के घर के अंदर, बहुत ही बढ़िया सी मस्ती पार्टी। ये देखिए कितना सारा स्पेस है, मतलब यूटिलाइज जो किया गया है स्पेस को बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक लेआउट निकाला गया है, एक अच्छा स्पेस निकाला गया है, एंड साथ ही में हमारा हमारे घर का फ्रंट व्यू काफ़ी अच्छा है। और घर भी यहाँ के जितने भी घर हैं ना आसपास के, बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं, सारे के सारे बहुत कमाल के घर बनाए हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है घर का। तो दोस्तों आज का ये घर और आज की ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को, प्लीज़ हमें कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। बाकी अगर इस घर के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का घर था 300 गज का, सेक्टर 79 मोहाली के अंदर, और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, तो जल्दी जल्दी आप कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये घर बहुत जल्दी हाथ से निकलने वाला है आप सभी के। चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, सो दैट हम सब अगली वीडियो में भी मिलते रहे। नमस्कार, शुक्रिया।